कि आज शक्तिपीठ हमारी नैना देवी जी यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ तक इस मंदिर की व्यवस्था का सवाल है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि नैना देवी हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जो हमारे पहचान है मंदिर, अगर नैना देवी में आप 4 साल से टेंपल अफसर नहीं लगा सकते तो आपको धर्म का जो है पूरे देश में जो है जो जिस तरीके से आपने ठेका लिया हुआ है वो पीटने की ज़रूरत नहीं है। इतना अहम मंदिर है और 4 साल से यहाँ पे टेंपल अफसर ना हो, ये सरकार के लिए डूबने वाली बात है। और यहाँ पे पहले 24 टेंपल अफसर रह के गए हैं, ये भी नहीं है कि ये टेंपल अफसर नहीं रहे। अगर पहले 24 टेंपल अफसर यहाँ पे रहे हैं और 2018 तक टेंपल अफसर की व्यवस्था सही थी तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ पे आप एक टेंपल अधिकारी नहीं लगा सकते और आप इसका जो है सारा काम जो है डेपुटेशन पे दे के रखें। तो ये मामला जो है 75 करोड़ जो है मंदिर के पास उपलब्ध है, मंदिर के पास 20 करोड़ रुपए की आय है, मंदिर में हर साल 25 लाख लोग आते हैं जो इस यहाँ आस्था से जुड़े हुए हैं या धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं या आस्था से जुड़े हुए हैं, इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आप शिमला में बैठे मंदिरों की मॉनिटरिंग तक नहीं कर सकते कि आपका समय निकल गया, आप तो आप क्या लगाएंगे, 3 महीने रह गए आपके जाने के। लेकिन आपने ये सही नहीं किया है। नैना देवी जी एक बहुत ही सिद्ध पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं, हमारी आस्था की प्रतीक हैं। नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, ये सारी देवियां जो हैं ये हमारे लिए तो जो है ईश्वर ने ऐसा संसार बना के दिया है और उसमें जो है ऐसी व्यवस्था चल रही हो। और फिर कह रहे हैं कि हम धाम बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान जो है राजनीतिक बेईमानियों पे लगा हुआ है। आपकी सारी सोच जो है, चाहे वो आप भर्तियों की बातें ले लो, चाहे आप जो है पुलिस भर्ती की बात ले लो, पुलिस भर्ती में जो हुआ है, सीबीआई को आने ही नहीं दिया आपने हिमाचल प्रदेश में। आप कहते हैं कि हमने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया, हम इस श्रद्धा स्थल पे खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मिली भगत है केंद्र सरकार से, जो कि सीबीआई का ऐलान करने के बाद भी सीबीआई जो है जांच के लिए नहीं आई। डबल इंजन की सरकारी से ही कहते हैं कि यहाँ से जो है लेटर जारी करो, वहाँ से इनकार करा दो। हमें मालूम है कि चंद दिनों के बाद सीबीआई कहेगी ये मसला हमारे जाँच के काबिल नहीं है। और आप ये कहेंगे कि हमने जो है इंक्वायरी एसआईटी से कंप्लीट करवा ली है और जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, लेकिन ये मसले द्वारा खुलने वाले मसले हैं। पुलिस के में 2 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है, वो तो सब चीज़ें सामने आएंगी। पुलिस भर्ती अब आपने फिर से रख दी है कि 5 जुलाई को आप द्वारा से पर्चे लेंगे। आपने अफसर बदले, जिन अफसरों ने पहले बेईमानियाँ की, क्या आप उन्हीं से द्वारा पर्चे करवा रहे हैं? आपने नई कमेटियां बनाई कि कौन अब पर्चे लेगा, कौन कमेटियां को हेड करेगा? 2020 में भी यही बेईमानियां हुई, 2022 में भी यही बेईमानियां हुई। यहाँ पे कई तरह के लोग जो है घूम रहे हैं जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पर्चे हुए, उनमें बेईमानियां की। प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्चों में बेईमानियां हुई। भर्ती से तो लोगों का विश्वास उठ गया, युवाओं का विश्वास उठ गया, और युवा
हिमाचल प्रदेश का युवा ये विश्वास कर चुका है कि यहाँ पे जो है पर्चे बेचे जाते हैं, पर्चे नलाम होते हैं, 6-6 लाख 8-8 लाख में बेचे जाते हैं। तो ये कोई आम मसला नहीं है। एक ही सवाल का मुख्यमंत्री जवाब दें कि CBI क्यों नहीं आई? एक महीना हो गया, आपने घोषणा की थी कि हमने पर्चा CBI को दे दिया, क्यों नहीं आई CBI? आपने रोका उनको यहाँ आने से? किसी ने तो उनको रोका यहाँ आने से? या आपकी केंद्र की सरकार को आपने कहा कि हम लेटर भेज रहे हैं और वो ना आए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए महंगाई की हालत ख़राब है, जो स्थितियां सामने हैं, बेरोज़गारी की हालत ख़राब है, माफिया हर तरफ दंदरा रहा है, भू माफिया, वन माफिया, रेत माफिया, सारे सब कुछ लूट के ले गए, सारी संपदाएं लूट के ले गए। और वो जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में, कोई नहीं बचा सकता इस सरकार को। इस सरकार को जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है, चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा लें बाहर से, जितनी मर्जी दिवालिया पीट दिया, हिमाचल प्रदेश दिवालिया हो गया आर्थिक तौर पे। 85,000 करोड़ का कर्जा होगा जिस दिन आप आखिरी दिन यहाँ से जाएंगे। और आपको दो ही बातों के लिए याद किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, दो ही बातों के लिए याद की जाएगी, या तो ये जो है नौकरियाँ बेचने वाले सरकार थी, नौकरियों की दलाली वाली सरकार थी, नौकरियाँ जो है मेरिट पे ना देने वाले लोग थे, और मुख्यमंत्री भी इस आंच से बच नहीं पाएंगे चाहे वो सोचते रहें। और दूसरा, 4.5 साल हो गए आप हेलीकॉप्टर में उड़ते जा रहे हैं, 20 मिनट 10 मिनट का सफ़र भी आप जो है सड़क से नहीं कर सकते, आप 2 किलोमीटर के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4th हेलीकॉप्टर आपने बदल दिया। या आपको हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री याद किया जाएगा, या आपको जो है हेलीकॉप्टर भी क्या उड़न खटोले वाला मुख्यमंत्री याद किया जाएगा, या फिर आपको जो है नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे याद किया जाएगा। ये जो है समय आ गया है, आप चाहे जितना मर्जी अब शोर मचाते रहे, शिमला नगर निगम के चुनाव तो आप करवा नहीं पाए अगर आप में दम होता, समय निकल गया, म्याद निकल गई, क्योंकि आपको खौफ था कि शिमला नगर निगम हारने के बाद पूरा प्रदेश हारेंगे, इसलिए आपने वहाँ पे चुनाव नहीं करवाए। लेकिन कुल मिला के ये सारे इलाके हैं, कांगड़ा चंबा, ये तो आपके नक्शे पे ही नहीं है, भाजपा के नक्शे पे ही नहीं है, बस ऐलान बयान करते जा रहे हैं, घोषणाएं करते जा रहे हैं। अरे भाई, 3 महीने में तो टॉयलेट नहीं बढ़ते, आप करोड़ों की घोषणा, अरबों की घोषणाएं करते जा रहे हैं, 3 महीने में शौचालय नहीं बनता, अब क्या बनाओगे? जब होना था, जब बन सकता था, तब आपने काम नहीं किया, अब भागते फिर रहे हो, अब कुछ संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के युवा आपको बख्शने वाले नहीं हैं नौकरियों में बेईमानी के लिए, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं आपको बख्शने वाली नहीं हैं जिन्होंने 30 रुपये किलो आटा दिया और 250 रुपये तेल की बोतल दी, सरसों के तेल की बोतल जिस ढंग से दी। हर वर्ग निराश है, हर वर्ग हताश है। फैक्ट्रियों में जितने लोग लगे थे मेजॉरिटी हटाए जा चुके हैं, मनमानी चल रही है कारखानेदारों की, ट्रांसफ़र की जा रहे हैं बाहर को, जहां उनका दूसरा कारखाना हिमाचल से बाहर, कोई पूछने वाला नहीं, लेबर डिपार्टमेंट का भट्टा बैठ गया, किसी ने किसी की मदद करने की कोशिश नहीं। तो ये जो हालात हैं, अब तो एक ही नारा है, सरकार बदलो हालात बदलो। प्रदेश में बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव के बाद ही एक नया सवेरा आएगा, एक नई किरण आएगी, और जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से हितों से जुड़े हुए मसले जो है वो हल करने हैं। तो एक ही विकल्प है कि बदलाव आए। और जहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं टोपियाँ लगा के, वो जो कहते हैं कि पंजाब मॉडल लाओ, पंजाब मॉडल आपके सामने है, रोज गोलियाँ चल रही हैं, कभी गीतकार मारे जा रहे हैं, कहीं थानेदार मारे जा रहे हैं, कहीं ASI की गोली मारी जा रही है, कहीं बसें लूटी जा रही हैं, ये मॉडल पंजाब में बढ़ गया है। इसलिए उस मॉडल से हिमाचल को बचा के रखना है ताकि कोई भी गुमराह ना हो। और दूसरा, वो जो आके कह रहे हैं कि हेल्थ मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल, पंजाब का हेल्थ मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल ये है कि वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, पंजाब का हेल्थ मॉडल ये है कि पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, ये इनके मॉडल हैं। तो इसलिए हिमाचल में एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को लाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ये शांत प्रिय प्रदेश जो है
पुलिस भर्ती में बेईमानी, मिलिट्री की भर्ती नहीं हो रही है। आप देखो कि कितने कितने समय से लोग लाइनों में लगे हुए, सवेरे सुबह ही बच्चे ग्राउंडों में जो है रेस लगाने चले जाते हैं। और यहाँ पे हर तरफ अराजकता का माहौल है, हर तरफ लूट का माहौल है। मुख्यमंत्री शराफत का चोला ओढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं, इस चोले के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है।